करनाल के गांव सालवन में एक किसान की दवाई का छिड़काव करते समय मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि गांव सालवन निवासी प्रवीण खेतों में सब्जियों पर दवाई का छिड़काव कर रहा था। इस दौरान उसे दवाई चढ़ गई जिससे उसकी मौत हो गई। गांव के सरपंच ने बताया कि प्रवीण कुमार अपने खेतों में सब्जियों में दवाई का छिड़काव कर रहा था तो अचानक उसको चक्कर आने लगे, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि प्रवीण कुमार अपने खेतों में कार्य कर रहा था। इस दौरान उसे दवाई चढ़ गई जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस हादसे से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मैं एक्स सरपंच ओम कुमार राणा सालवन से, और ये हमारे परिवार का मेरे चाचा का लड़का था प्रवीण कुमार सनोख श्री रूप सिंह। अपना जमींदारे का काम है जी, खेती बाड़ी का कार्य करते हैं और खेत में सब्जी वगैरह पर स्प्रे करते समय जैसे थोड़ा इसको चक्कर सा नजर आया, वहीं इसके पिताजी रूप सिंह थे। वो मौके पर हालात देखे तो इनको सबसे पहले वहाँ असंत के हॉस्पिटल में, अमर हॉस्पिटल में ले जाया गया। उसके बाद वहाँ से उन्होंने यहाँ भेज दिया इसको, करनाल में राजीव गुप्ता हॉस्पिटल है यहाँ पे करनाल। लेकिन सुधार नहीं हुआ कुछ भी, और वो जो है उसकी उस वजह से डेथ हो। तो क्या दवाई चढ़ गई थी? दवाई स्प्रे कर रहा था जी सब्जियों में, अपने जमीन है, अपने जमींदार आकर जी अपनी जमीन अगर की उसमें खेती कर जा। इसका प्रवीण कुमार सनोख श्री रूप सिंह। तो अब क्या किया जा रहा है? अब तो कुछ नहीं, यहाँ आए हैं जी बस वो पोस्टमार्टम के लिए, यहाँ डेड बॉडी को यहाँ ले आया गया जी मृतिया उसमें, और उसके बाद तो वो मिले जाएंगे जो। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।